Hi kids, I hope you all are doing good, studying well. Now, today I am going to teach you the 11th chapter of your EVS book, Plants. Plants means हम सब ने plants देखे हैं ना, हम सब plants को जानते हैं. हमारे आसपास बहुत तरह के plants हैं. Various kinds of plants around us. Okay, have you seen plants around all around? क्या आप चारों तरफ plants देखे हैं? Yes, हमने देखे हैं. ठीक है, मोस्टली देयर आर ग्रीन प्लांट्स अराउंड अस. क्या ज़्यादातर ग्रीन प्लांट्स हमारे आसपास होते हैं? मोस्ट ऑफ देम आर ग्रीन, क्योंकि उनकी प्रॉपर टेक केयर होती है. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ देम आर ग्रीन. ओके, मोस्ट ऑफ देम आर ग्रीन क्योंकि वी हैव गार्डनर हु यूज्ड टू गिव water to the plants. You know plants are our friend. Yes, हमें पता है कि plants हमारे green friend हैं, वो हमारे हरे भरे दोस्त हैं. Sorry. Following is the picture showing parts of plants. See the picture is here, given below. ये हमें क्या बता रही है? Parts of plant के बारे में बता रहे हैं. Have you seen a sapling emerging into a seed? Sapling means आपने कभी सीड में से एक सैपलिंग इमर्ज होते हुए देखा है, अलग से उगते हुए अंकुर को देखा है? यस, देखा है. यस, सी अगर आप रात में अपनी दाल को सोक करोगे ना, और मॉर्निंग में उसको निकाल के उसको सूती कपड़े में टाइड अप करके थोड़ी घंटों के लिए रखोगे, तो यू कैन सी दिस द सैपलिंग इमर्जिंग फ्रॉम द सीड. ओके, अंकुर, छोटा सा आपको अंकुर दिखाई देगा. नाउ लुक एट द पिक्चर हेयर. This is your गमला. ओके, और ये जो हमें पार्ट दिखाई नहीं देता है गमले के अंदर, मट्टी के अंदर जो है, ये हमारा रूट होता है. ठीक है, और ये सब सब छोटी छोटी जो है ये रूट का सिस्टम है. सो मैनी स्मॉल स्मॉल रूट्स अटैच विद दिस बिग रूट. ओके, नाउ दिस इज स्टेम. ये आपका स्टेम है, ये फ्रूट बियर किया हुआ है उन्होंने. दीज आर लीव्स. ओके, दीज आर लीव्स. ये आपका फ्लावर है. ओके, ये आपका फूल खिला हुआ है. फूल के बाद इसमें क्या आ जाएंगे? फ्रूट या वेजिटेबल, जिसका भी प्लांट है वो इसमें बियर करेगा. एंड दिस इज बड, जो खिली नहीं है वो कली है. ठीक है, नाउ दिस इज योर लीफ, दिस इज योर स्मॉल स्मॉल व्हाट, बहुत थिन ब्रांचेज हैं इसकी. ठीक है, तो दिस इज योर द पिक्चर ऑफ प्लांट और पार्ट्स ऑफ प्लांट. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सीड्स. सीड्स क्या है? सीड्स क्या है? ग्रोइंग इन टू न्यू प्लांट. सीड्स की हेल्प से हमारा एक नए प्लांट का जन्म होता है. ठीक है, ग्रो इन टू अ न्यू प्लांट. रूट्स, रूट्स क्या है? यूजली ग्रो अंडर द ग्राउंड. रूट्स ज़्यादातर ग्राउंड के अंदर ही ग्रो करती है, वो ऊपर नहीं दे नेवर कम अप, वो ऊपर नहीं होती है, अंदर ही ग्रो करती है. दे कीप द प्लांट फिक्स्ड टू द सॉइल. वो सॉइल प्लांट को होल्ड करके रखती है मिट्टी में. ठीक है, नाउ स्टेम, स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट. जो इसकी ये स्टेम है, ये प्लांट को क्या करती है? एक सपोर्ट देती है, इसको एक आकार भी देती है और आपको प्लांट को सपोर्ट भी देती है. ठीक है, नाउ फ्लावर्स लीव्स अदर ब्रांचेस ग्रो ऑन इट. इसमें हमारा फूल फल और दूसरी ब्रांचेस भी इसमें स्टेम में निकलती हैं. ठीक है, नाउ फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट. पहले हमारे पास बर्ड आई, बर्ड से हमारे फ्लावर बने, फिर फ्लावर से हमारे फ्रूट्स आए या वेजिटेबल आई. ठीक है, नाउ लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट. जो हमारी जो पत्तियाँ होती हैं, लीव्स जो होती हैं, वो प्लांट के लिए खाना बनाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. नाउ फ्रूट हैज सीड्स इनसाइड इट. और हमारे हर फ्रूट में या हमारे वेजिटेबल्स में अंदर बीज ज़रूर होते हैं. ओके, नाउ देयर इज वन नॉलेज रश. Some flowers produce fruits while some are used only for decoration. कुछ flowers जो होते हैं वो हमारे fruits देते हैं और कुछ केवल हम decoration के लिए use करते हैं. जैसे हमारे bougainvillea, हमारे rose plant, ये केवल decorative plants, decorative flowers आते हैं इसमें. लेकिन हमारा जो mango tree है उसमें पहले फूल आता है फिर उसमें mangoes लगते हैं. Okay? Now various kinds of plants. Now अब इसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग किस्मों के प्लांट्स. सी ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स. जो हमारे पेड़ होते हैं वो काफ़ी सालों तक
लिव करते हैं, ठीक है. दे आर स्ट्रॉन्ग, टॉल, कैन बी वेरी बिग इन साइज. ये टॉल होते हैं, लंबे होते हैं और ये साइज में बहुत बड़े होते हैं. स्टेम हैव ब्रांचेस विद लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. क्योंकि अब ये बहुत बड़े हैं, वुडी हैं, इनकी थिक, इनका ट्रंक बहुत हैवी है, इनमें काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं, तो फिर क्या होगा, ब्रांचेस विद लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट. तो ये क्या करेंगे, स्टेम है ब्रांचेस, तो इनके पास अगर ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस में स्टेम्स हैं, तो ये फ्रूट्स लीव्स सब बियर करेंगे. ओके, ये सब इनमें उगेगा. दीज ट्रीज आर फर्मली फिक्स टू द ग्राउंड विद स्ट्रॉन्ग रूट. अब ये जो हमारे ट्री है, ये फर्मली रूट ने होल्ड करके सॉइल में रखा हुआ है, और ये बहुत बड़े हैं, वुडी, इनका ट्रंक कैसा है, वुडी है, ये बहुत थिक है और ब्राउन इनकी स्टेम है. सी, ये आपका ब्राउन स्टेम है, ये कितना फर्मली होल्ड किया हुआ है रूट ने सॉइल के अंदर प्लांट को, है ना. ये देखो, पहले इसमें फूल आए, फिर इन्होंने फ्रूट बियर किया. ये भी कितना बिग, ह्यूज, थिकी वुडी ब्राउन, इसकी ब्राउन थिकी वुडी ट्रंक है इसका, है ना. सी ऑल दीज कोकोनट ट्रीज, ओके, ये फर्मली स्टैंड है क्योंकि रूट ने इनको होल्ड करके रखा है. तो जो ट्रीज हैं उनके क्या, उनमें क्या खास बात होती है, बहुत बड़े, थिक, और उनमें बहुत ज़्यादा वुडी ट्रंक होता है इनका. तो ये, और ये मैनी ईयर्स, काफ़ी सालों तक रहते हैं. नाउ दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज लाइक नीम ट्री, पीपल ट्री, मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री. क्योंकि ये बहुत बड़े, ह्यूज हैं, वुडी ट्रंक है इनका, दे बी आर फ्रूट्स ऑल्सो, लीव्स ऑल्सो. ओके, नाउ शर्ब्स, कम टू द शर्ब्स. शर्ब हैव थिन वुडी, वुडी एंड ब्राउन स्टेम. तो जो हमारा शर्ब होता है, इसका जो थिन वुडी स्टेम होता है, ठीक है, और ये बुशी टाइप होता है लाइक. ओके, दे आर स्मॉलर देन ट्री, ये ट्री से छोटे होते हैं. इनका ट्रंक का साइज, इनका स्टेम, इनकी इतनी वुडी स्टेम नहीं होती है, ये हर कंपेयर में ट्री से थोड़े, ट्री से ये छोटे होते हैं. ओके, नाउ दे आर स्मॉलर देन ट्रीज, ट्रीज से छोटे होते हैं. दे लिव ओनली फॉर अ फ्यू ईयर्स, ये कुछ साल ही लिव करते हैं, कुछ साल ही ये जीवित रहते हैं. दे आर नॉट लाइक ट्रीज, दे आर नॉट लाइक ट्रीज, दे आर ऑल्सो कॉल्ड बुशेज, इनको हम बुशेज भी कहते हैं. नाउ लुक एट द पिक्चर हेयर, रोज प्लांट, सनफ्लावर प्लांट एंड हिबिस्कस, ये हमारे शर्ब्स हैं. इनकी जो, आपका जो, इनका जो ट्रंक है वो इतना हैवी नहीं है, इतना वुडी नहीं है लाइक प्लांट्स. ओके, और ये कुछ फ्यू ईयर्स ही लिव करते हैं. नाउ वी हैव हर्ब्स, हर्ब्स, हर्ब्स हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ. हर्ब्स की तो बहुत शॉर्ट लाइफ होती है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम इनका बहुत कम होता है, ठीक है. दे लिव, दे डाई आफ्टर बियरिंग फ्लावर्स, ये फूल आने के बाद ही डाई कर जाते हैं. इनका कुछ समय, एक डेढ़ महीना, तीन महीने तक इनका लाइफ टाइम स्पेन होता है. दे लिव ओनली फॉर थ्री और फोर मंथ्स, ये तीन या चार महीने तक ही रहते हैं. तो बेस्ट एग्जाम्पल इज कोरिएंडर एंड मिंट. ओके, हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट, ये बहुत छोटे प्लांट है. इनकी जो स्टेम है बहुत ग्रीनी, बहुत थिन, बहुत लीन स्टेम है. ओके, दे हैव ग्रीन लीनी स्टेम. ओके, स्मॉल प्लांट्स दैट हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड थिन स्टेम. सी द ग्रास, लेमन ग्रास. ओके, नाउ मिंट, कोरिएंडर, ये सब हमारे हर्ब्स में आ जाते हैं. सी देयर इज अनदर वन इज क्लाइंबर. क्लाइंब्स मतलब चढ़ना. ये हमारे क्लाइंबर्स प्लांट है, जो जिनकी स्टेम वीक है और दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड. ये इनको सपोर्ट चाहिए खड़े होने के लिए. तो क्लाइंबर्स है वो वेरी वीक स्टेम, इनकी बहुत वीक स्टेम है. एंड दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते. दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट विदाउट सपोर्ट, बिना सपोर्ट के ये खड़े नहीं हो सकते. दे क्लाइम ऑन अदर प्लांट, ये दूसरे प्लांट का सहारा लेते हैं. एंड वॉल्स और थिक टू ग्रो, और स्टिक टू ग्रो, और दीवार का भी सहारा लेते हैं और स्टिक करते हैं, चिपक जाते हैं बड़े होने के लिए और ग्रो करने के लिए. नाउ वी हैव एग्जाम्पल्स हेयर, पी प्लांट, इसकी ना बेल होती है, ठीक है. एंड ग्रेपवाइन, ग्रेपवाइन को भी हमको एक दीवार या हमें किसी लकड़ी का सहारा से हम इसको ग्रो करते हैं. नाउ मनी प्लांट, मनी प्लांट में भी आपने देखा है नीड सपोर्ट टू ग्रो. नाउ रिप्लाई इट, डज योर मदर एड एनी हर्ब टू फूड टू इन्हेंस फ्लेवर, फ्लेवर के, फ्लेवर को और इन्हेंस करने के लिए आपकी मॉम कुछ हर्ब डालती है आपके फूड में? यस, क्या डालती है बताइए. शी यूज व्हाट, करी लीव्स और कसूरी मेथी, ठीक है. मैं आपको नाम दे देती हूँ,
करी पत्ता, ओके, एंड करी पत्ता के बाद हम क्या करते हैं, कसूरी मेथी, कसूरी मेथी, इससे फ्लेवर और इन्हेंस हो जाता है, फ्लेवर में और मज़ा आ जाता है. वी कैन ऑल्सो यूज रेड चिली फ्लेक्स, है ना, वो भी हम यूज़ करते हैं. नाउ अनदर टॉपिक इज व्हाट क्रीपर्स. क्रीपर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स जो होते हैं दे ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड, ये ग्राउंड के साथ साथ ही फैलते रहते हैं, स्प्रेड होते रहते हैं, और इनमें लगने वाले फ्रूट और वेजिटेबल बहुत ह्यूज और हैवी वेट वाले होते हैं, दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट. ये इसको हम सपोर्ट के साथ भी स्टैंड स्ट्रेट नहीं कर सकते इन क्रीपर्स को. तो क्रीपर्स आर प्लांट विथ थिन ब्रांचेस एंड वीक स्टेम, इनकी थिन ब्रांचेस होती हैं, वीक स्टेम होती है, एंड दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ये ग्राउंड के साथ साथ स्प्रेड होते रहते हैं, फैलते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं. दे यूजली बियर बिग फ्रूट, ये ज़्यादातर बिग फ्रूट बियर करते हैं, जैसे कद्दू, पम्पकिन, आपका बॉटल ग्रूड हो गया, आपका बिटर ग्रूड हो गया, आपका पम्पकिन हो गया, ठीक है, ये वाटरमेलन हो गया, आपका खरबूज हो गया, मस्क मेलन हो गया, ये सारे ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं जो क्रीपर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है. नाउ वी हैव दिस, हाउ डू प्लांट्स गेट फूड, हाउ डू प्लांट्स गेट फूड, प्लांट को कैसे खाना मिलता है, ठीक है, हाउ डू सी, ये प्लांट है आपका, लुक एट द पिक्चर हेयर, ये सॉइल है, अंदर क्या है, ना दिखने वाला पार्ट, हमारी रूट्स, और रूट्स के और बहुत सारे सिस्टम है, ठीक है. इन इस मिट्टी में क्या है, मिनरल्स, मिट्टी में मिनरल्स हैं. अब क्या हुआ, हमने इसको सबसे पहले क्या किया, वाटरिंग द प्लांट, ठीक है, फिर हमको यहाँ से ऑक्सीजन मिली, ओके. नाउ विद द हेल्प ऑफ सन रेज, वाटर और दिस मिनरल सॉइल, प्लांट कैन ईजिली मेक द फूड. ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, ठीक है, इसको आपको प्लांट को एनर्जी और लाइट मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ये इनहेल कर रहा है, ऑक्सीजन ये एक्सहेल कर रहा है, तो दिस इज द सिस्टम बाय विच इट गेट फूड, ठीक है ना, इट गेट्स फूड, दिस इज द होल प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इसमें हमें पानी चाहिए, हमको सनरेज चाहिए, ठीक है, जिसके हेल्प से हमको हमारा प्लांट जो है अपना भोजन तैयार करेगा. नाउ लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ एयर, आपको एयर चाहिए प्लांट को, ठीक है, सनलाइट चाहिए और वाटर चाहिए, इन तीनों की हेल्प से प्लांट क्या करेगा, अपने लिए फूड तैयार करेगा. सो लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, जो हमारी लीव्स हैं वो क्या है, किचन ऑफ द प्लांट्स हैं, किचन की तरह वो अपने प्लांट के लिए खाना बनाती हैं, ठीक है. फिर द सिस्टम कैरीज दिस प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फिर जो फूड यहाँ प्रिपेयर हुआ ये प्लांट्स के बाकी पार्ट्स में भी ट्रांसफर होता है, ओके. नाउ अनयूज्ड फूड इज स्टोर्ड इन स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर एंड सीड, जो फूड यूज नहीं किया प्लांट ने वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, आपकी स्टेम में, आपकी लीव्स में, जब इसमें फ्रूट्स आएंगे ना उस फ्रूट में स्टोर हो जाएगा, जब इसमें बर्ड आएगी, जब इसमें फ्लावर ब्लूम करेंगे तो वो जो हमारा अनयूज्ड फूड है ना वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा इन पार्ट्स में, ठीक है. अनयूज्ड फूड इज स्टोर्ड इन स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड सीड्स. नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इन विच प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट, ओके. Now we have exercise here. So we have to make the correct circle hole black like this. Now the first is the part of the plant. Kaun hai part of the plant? Stem is the part of the plant, fruit is the part of the plant or both? See. So stem bhi aapka part of the plant hai aur fruit bhi aapka part of the plant hai. Even flower aur bud bhi part of the plant hai. To C section aayega. Okay? See both. Support the plant. Stem, fruit, seed or flower. So supports the plant, stem supports the plant. जो हमारी stem है वो plant को support करती है straight, stand straight होने में. Now grow to become new plant, seed. जो seed है वो नया plant बन के
न्यू प्लांट का सैपलिंग सीड से होता है, ठीक है. कीप द प्लांट फिक्स टू द सॉइल, हु रूट्स. Covered part of the plant, okay. Now the B is fill in the blanks. See, fill in the blanks with the word given below. Shrub, stem, trees and herbs. ये आपके fill in the blank. ये आपको कुछ words दिए हैं. You have to fill these right words in the correct blank, okay. Live for many years. काफी साल तक कौन रहते हैं? Trees, ठीक है. हर्ब्स तो बहुत ही स्मॉल टाइम स्पैन के लिए होते हैं, लाइक 3-4 मंथ, 1.5 मंथ. हैवी अ वेरी शॉर्ट लाइफ, हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ. तो हमारे हर्ब्स की बहुत शॉर्ट लाइफ होती है, 2-3 महीने, 1.5 महीने, ओके. लिव ओनली फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही समय के लिए ये रहते हैं. तो ये हमारे होते हैं शर्ब्स, बुशी शर्ब्स, ओके. शर्ब्स क्लाइंबर्स हैव अ वेरी वीक, क्लाइंबर्स की बहुत वीक स्टेम होती है. दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट, ओके. नाउ ट्रू फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. क्रीपर्स ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड, जो हमारे क्रीपर्स होते हैं वो स्प्रेड होते हैं ग्राउंड पे, तो दिस इज ट्रू. हर्ब्स डाई आफ्टर बियरिंग फ्लावर्स, क्या फूल होने के बाद क्या हर्ब्स डाई हो जाते हैं? मोस्ट ऑफ देम, कुछ कुछ में हो भी जाते हैं, तो ट्रू, ओके. नाउ क्लाइंबर्स क्लाइम ऑन वॉल एंड अदर ट्रीज, जो हमारे क्लाइंबर्स होते हैं वो वॉल पे भी क्लाइम करते हैं, किसी और जो उनको ट्री मिल जाए, दीवार मिल जाए, वो उस पर क्लाइम करते हैं. दिस इज ट्रू, ओके. फ्रूट मेक फूड फॉर प्लांट, नो, फ्रूट नहीं बनाता प्लांट का खाना, ठीक है. लीव्स आर द किचन ऑफ प्लांट, ओके. सो नाउ हियर द चैप्टर इज फिनिश. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. बाय बाय.